एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज, एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ ये पैरेललोग्राम, ऑफ ये पैरेललोग्राम। ओके, सो हम लोग ये स्टार्ट करने वाले हैं। ये आर डी शर्मा का एक्सरसाइज 13.2 है, ठीक है। तो हम लोग उस प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे और इसको हम लोग देखेंगे। पैरेललोग्राम का सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है, हम लोग एंगल प्रॉपर्टी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम जो डिस्कस करेंगे पैरेललोग्राम का, एंगल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे कि एंगल प्रॉपर्टीज इसका क्या होता है। हम लोग इसकी साइड प्रॉपर्टी को हम लोग नहीं अप्रोच करेंगे इसको, ठीक है। तो साइड प्रॉपर्टी नहीं देखेंगे हम लोग, एंगल प्रॉपर्टी को। तो एंगल प्रॉपर्टी में देखें, यहाँ पे एक पैरेललोग्राम है ये। इस पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड क्या होता है, पैरेलल होता है, और ये अपोजिट एंगल भी क्या होता है, इक्वल होता है। और ये जो है ये दोनों क्या होगा, जैसे आपका एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू है क्या होगा 180 डिग्री, सॉरी एंगल ए इक्वल टू एंगल सी होगा, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी। ये जो होगा वो क्या होगा, ये अपोजिट एंगल, ओके। एंड एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी, ये भी अपोजिट एंगल। जो भी अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम होते हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ ये पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। ये अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, इक्वल होता है। और ये एडजेसेंट एंगल का जो सम होगा वो क्या होगा, 180 होगा। ये कोइंटीरियर होगा, एंगल ए प्लस डी बोले या एंगल ए प्लस बी बोले या एंगल बी प्लस सी बोले इसको, या एंगल सी प्लस डी, ये सारा का सम जो होगा कितना होगा, 180। सो हम एक क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे तो देखिए क्वेश्चन, यहाँ पे इसका क्वेश्चन नंबर वन, लेवल नंबर वन हम बता रहे हैं पहले। तो क्वेश्चन नंबर वन क्या है, टू अपोजिट एंगल्स ऑफ ये पैरेललोग्राम आर 3x minus 2 degree एंड 50 minus x degree. Find the measure of each angle of parallelogram. Each angle of a parallelogram. यहाँ पे हम लोग क्या समझेंगे कि दो पैरेललोग्राम है, टू अपोजिट एंगल्स ऑफ ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है। यहाँ पे अपोजिट एंगल दिया हुआ है, तो दोनों अपोजिट एंगल है। इसका मतलब आप समझ गए कौन सा एंगल दिया हुआ है यहाँ पे। ये पैरेललोग्राम है, इस पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे 50 minus x और ये क्या है 3x minus 2, ये दोनों अपोजिट एंगल दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग सारा एंगल को फाइंड करना है, ठीक है। सारा एंगल को हम लोग फाइंड करेंगे, तो हम लोग को ये पता होगा यहाँ पे, एक हम लोग समझेंगे, वी नो दैट अपोजिट एंगल ऑफ ये पैरेललोग्राम आर इक्वल, दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। सो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, सो ये क्या होगा, 50 minus x equal to 3x minus 2। तो उसको उधर कर लेंगे, जो ये पैर लोग ये ले लेंगे, 50 plus 2 = 3x + 6, तो ये कितना हो जाएगा, 4x = 52। सो यहाँ से जो वैल्यू हम लोग के पास लिखा हुआ है कितना हो जाएगा, यहाँ पे 52 को हम लोग 5 minus x है, 3x - 2 है, इसको इधर हम लोग किसको क्या किए, इसको इधर ले आए, इसको इधर जो है, तो इधर आपके 50 + 2 हो जाएगा, कितना होगा, 52 हो जाएगा। और 52 होगा, ये आपका टोटल एंगल कितना होगा, 52/4, तो 52/4 मतलब 26/2 मीन्स क्या होगा, 13 डिग्री, ठीक है। ये आपका एक्स का वैल्यू निकल गया। अब एक्स का वैल्यू निकल गया तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू निकलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको वैल्यू को पुट करेंगे इसमें और दूसरा एंगल हम लोग फाइंड करेंगे। तो देखिए इसका पास दूसरा एंगल क्या होगा, इसका जो दूसरा एंगल होगा वो क्या होगा, उसको देखते हैं हम लोग, तो क्या होगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल क्या होगा सी, ओके। तो ये दिया हुआ है हम लोग के पास,
तो एंगल ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखें यहाँ पे 50 माइनस एक्स, तो 50 माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा, 50 माइनस एक्स का वैल्यू कितना 30, ये कितना हो गया आपका 37 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी होगा, ये भी क्या होगा 37 होगा। अब ये दोनों का सम क्या होगा आपका पता होगा, एडजेसेंट एंगल का जो सम होगा उसका क्या होगा, को इंटीरियर एंगल सी होगा कितना 180, को इंटीरियर एंगल। सो एंगल ए इज व्हाट, सो यू कैन सी एंगल ए इज 37 एंड डी इज डी, वी नीड टू फाइंड हियर, सो एंगल डी इक्वल्स टू व्हाट 180 माइनस 37, सो 180 माइनस 37, सो वी कैन राइट हियर व्हाट 180 माइनस 37, सो हियर इज द 3 एंड हियर इज 37 इज 43, सो वी कैन राइट हियर एंगल डी इक्वल्स टू 143 डिग्री, सो 143 डिग्री एंड एंगल डी इक्वल्स टू एंगल बी, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, देयरफॉर दिस इज द 143। तो इस तरह करके क्वेश्चन को आप बनाएंगे यहाँ पे, ये आपका जो है पैरेललोग्राम का जो आपका एंगल हम देते हैं कुछ, जैसे आपका ये आपका जो एंगल है वो, तो जो एंगल है ये एंगल कौन सा एंगल दिया हुआ है 40 प्लस, सॉरी प्लस 2, ओके ये आपका क्या होगा प्लस 2, ये आपका ये, तो यहाँ से हम लोग इसको फाइंड करेंगे कितना होगा, इसका आंसर देखेंगे इसका। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं क्या 50 प्लस एक्स प्लस 60 प्लस 4x, सॉरी 50 प्लस एक्स प्लस 150 वो लिखें 150 प्लस एक्स, और ये नेक्स्ट हम लोग होगा क्या 2x, ओके ये हम लोग का होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्या 30 माइनस एक्स, और नेक्स्ट होगा हम लोग के पास क्या 40 प्लस 2x, ओके सो यहाँ पे हो जाएगा कितना 140, यहाँ पे हम लोग 10 ले लेते हैं, ठीक है यहाँ पे हम लोग 10 लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग कितना ले लेते हैं 10 होगा 3x, सो नेक्स्ट 3x 90 10 लोग को सब्सट्रैक्ट करेंगे, मीन्स हम लोग का यहाँ पे 91 लिख देते हैं, ठीक है 90। इसका क्वेश्चन नंबर 2 में है क्या, इफ एन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम is two third of its adjacent angle, adjacent angles, find the angles of the parallelogram. तो यहाँ से हम लोग देखेंगे क्या कि क्या दिया हुआ है, पैरेललोग्राम का जो एंगल दिया हुआ है 2/3 ऑफ एडजेसेंट, आपको पता होगा एडजेसेंट एंगल का जो सम होगा कितना होगा 180 मीटर, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे पैरेललोग्राम ही, ये ए है ये बी है ये सी है ये डी, ठीक है तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं लेट ए, लेट एंगल ए इक्वल टू क्या मान लेते हैं एक्स, तो एंगल बी जो होगा क्या होगा, एंगल बी इक्वल टू क्या होगा, देखें यहाँ पे कितना हो जाएगा 2/3 मीन्स 2/3, ओके 2/3 यस। अब दोनों एंगल का सम क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180, ये आपका कोइंट्रियर, ये क्या होगा कोइंट्रियर, सो एंगल ए प्लस बी मीन्स व्हाट एंगल एक्स प्लस 2/3x इक्वल टू 180, सो यहाँ पे हम लोग क्या होगा 3x प्लस क्या होगा 2x डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 180, सो 3 2 कितना होगा 5x बाय 3 इक्वल्स टू 180, सो x इक्वल्स टू 180 बाय 3 डिवाइडेड बाय 5, इसको कटा दें 5 3 जा 15 5 6 ओके 6 3 जा 18 3 3 जा 9 10 कितना हो गया, x का वैल्यू कितना निकल गया 108, सो वी कैन राइट हियर एंगल a इक्वल टू x, सो एंगल इक्वल्स टू एक्स, सो वी कैन राइट हियर व्हाट एक्स इट मीन्स 108, एंड एज वी नो दैट एंगल ए सॉरी एंगल बी इज व्हाट एंगल बी इक्वल्स टू 2/3x, सो 2/3 एंड द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू व्हाट एक्स इक्वल्स टू 108, सो वी कैन राइट हियर 3 3 जा 9 3 6 जा 18 मीन्स 72 डिग्री, ओके सो वी कैन राइट हियर व्हाट एंगल ए इक्वल टू सी मीन्स वी कैन राइट हियर 108 एंड एंगल बी इक्वल्स टू डी, एंगल बी इक्वल्स टू डी मीन्स 72, दिस इज द रीजन मीन्स
यू कैन राइट हियर ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ओके, तो यहाँ पे हम लोग के पास क्या आ जाएगा, ये ऑपोजिट एंगल्स हो गया आपका। नेक्स्ट हम लोग के पास ये है, यहाँ का जो है जैसे कुछ क्वेश्चन आप बनाएंगे, जैसे टू थर्ड दिया है तो आप वन थर्ड लेके बनाएंगे, नेक्स्ट है फोर फिफ्थ लेके बनाएंगे, थ्री फाइव फिफ्थ लेके बनाएंगे, फिर आप थ्री फिफ्थ हो गया, फिर वन फिफ्थ लेके बनाएंगे, तो फिर